आज आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है आप सभी लोगों को उन सभी थ्योरी से अवगत कराना जो कि हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए या आपके पर्सनल नॉलेज के लिए या इंटरव्यू के लिए कह लीजिए, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज, और आज की वीडियो में हम शॉर्टकट में उन सभी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे जिनका कि विकास आदिकाल से अब तक हुआ है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन थ्योरीज में क्या था और उस थ्योरीज को किसने बनाया और उस थ्योरी का क्या उद्देश्य था। आज के इस वीडियो में मैं अपने शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा और स्क्रीन पर शब्द आपको कम दिखाई देंगे, तो मेरी बातों को अब ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कहने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या किसी तरह का डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसका आंसर मैं प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको दूंगा। आइए शुरू करते हैं। जो हमारी थ्योरीज हैं उनका इवोल्यूशन, जो हमारी एजुकेशनल थ्योरीज हैं वो अभी तक लेकर के कुल 4 स्टेप्स में इवॉल्व हुई हैं। जो सबसे पहली थ्योरी जो बनाई गई उसको क्लासिकल थ्योरी का नाम दिया गया, उसके बाद बिहेवियरिस्ट थ्योरीज आई गई, फिर कॉग्निटिविस्ट थ्योरी आई, फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आई। जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, जो फर्स्ट थ्योरी थी, वो किसने बनाई, उसका क्या उद्देश्य था और क्या पॉइंट्स को रख के उस थ्योरी का विकास किया गया। सेकेंड बिहेवियर, फर्स्ट टाइम एजुकेशन के सेक्टर में या लर्निंग के सेक्टर में फर्स्ट टाइम बिहेवियर पर फोकस किया गया, तो इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये समझा गया कि सिर्फ बिहेवियर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग की भी ज़रूरत है, तो ऐसे केस में कॉग्निटिविस्ट थ्योरी आई जिसमें कॉग्निटिविस्ट में ब्रेन का इस्तेमाल दिखाया गया। फिर उसके बाद आया कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, मीन्स हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स, इन सब का सामूहिक विकास करके एक काम करना और फिर किसी चीज को सीखना, या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में आया। आइए शुरू करते हैं शुरू से। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये सबसे प्राचीन थ्योरी है, और यह थ्योरी प्लेटो के द्वारा दी गई। तो इन सब नामों को आप जरूर याद रखें कि कौन सी थ्योरी के प्रमुख उसके प्रवक्ता कौन थे और किस व्यक्ति ने उसको सबसे पहले दिया। तो प्लेटो ने क्लासिकल थ्योरी की स्थापना करी और उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। उनका यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सीधा सीधा कभी भी कुछ नहीं सीख सकता, अगर उसको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए उससे थोड़ी सी नॉलेज उसको पहले से है, मींस कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू नॉलेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि अपनी पुरानी नॉलेज के अंदर न्यू नॉलेज को ऐड करता है। जैसे कि उसका ये मानना था कि हमारा जो सिस्टम है यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है, जो हम जानते हैं उसी के हिसाब से न्यू चीज़ें वो सीखते जाता है। उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सीखना है यानी कि अगर उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं चाहे उसको कितना ही बता दूँ उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, और अगर उसको उस चीज़ के बारे में पता है और उससे रिलेट करके अगर मैंने उसको कोई चीज़ समझाई तो उसको वो चीज़ समझ में आएगी। उसने इस थ्योरी को कहा थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन या प्लेटोनिक एपिस्टेमोलॉजी। इसका ये मतलब था कि पहले हम किस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी पुरानी नॉलेज से उसको रिलेट करेंगे, तभी वो चीज़ हमें समझ में आएगी और उसके बाद वो चीज़ हमारी नॉलेज के अंदर बैठ जाएगी और हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके कई पैराडॉक्स हुए फ्रेंड्स, आपको ये सुन के लग रहा होगा कि इसकी ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही गई है, इसलिए नहीं कही गई क्योंकि ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है और इस थ्योरी के अंदर उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं था, इस वजह से इस थ्योरी के अंदर कुछ नहीं बहुत सारी कमियां थी। तो सबसे पहला पैराडॉक्स इस थ्योरी का ये आया, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाया गया कि आप तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ते जाता है वो अपनी पुरानी नॉलेज के अंदर न्यू नॉलेज ऐड करता जाता है और वो उसके अंदर नेचुरलाइज हो जाती है और वो उस चीज़ को सीख जाता है और धीरे धीरे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया कि अगर आपकी बात सही है तो ये बताइए जो उसने पहली चीज़ सबसे पहले सीखी है वो कहाँ से आई, क्योंकि आपका ये मानना है कि जब तक उसके पास कोई प्रीवियस नॉलेज ना हो वो तो उस चीज़ को सीख नहीं सकता। तो ये बताइए उसको पहली नॉलेज जो लाइफ में उसने सबसे पहले कुछ भी सीखा है वो कहाँ से आई।
देन हाउ डिड द सोल गेन दैट नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस, जो सबसे पहले नॉलेज उसको मिली वो कहाँ से मिली, ये इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे पहला क्वेश्चन उठा जिसका कि आंसर इसके थियरिस्ट नहीं दे पाए। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और आगे जाने के बाद क्लासिकल थियोरी प्राचीन हो गई और न्यू थियोरी आई जिसको कहा गया बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इंसान के बिहेवियर को, लर्नर के बिहेवियर को। उसका ये मानना था कि जो एक लर्नर का बिहेवियर है उसी के बेस पे वो कोई चीज़ सीखता है। अब लर्नर के बिहेवियर को उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा, इसके अंदर टू डिफरेंट सेक्टर्स बने, अलग अलग थियोरिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और दोनों थ्योरीज जो थी वो टोटली डिफरेंट थी, लेकिन दोनों में बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो पहली थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके अंदर आप हमेशा याद रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो लर्नर है वो पैसिव है। पैसिव का मतलब वो कुछ नहीं कर रहा लेकिन सीख रहा है। कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो लर्नर है वो एक्टिव है, मीन्स वो अपनी लर्निंग को खुद गेन कर रहा है। कैसे है, किस तरीके से है, वो हम आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके जो प्रवक्ता थे, इसको जिन्होंने खोज करी वो थे इवान पेवलो। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो कंडीशन होके सीखता है। अब यहाँ सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल का मतलब पुराना, ठीक है, और कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशनिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत बार करते जाते हैं, करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है और हमें बिना कुछ सोचे समझे भी हम उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कंडीशनिंग, यानी कि फ्लोलेस, आपको नेचुरलाइज तरीके से आप उस काम को कर पा रहे हैं और आपको उस काम करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ इस कंडीशनिंग का क्या मतलब है ये जानते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया इवान पेवलोव में। उनका ये मानना था कि लर्निंग जो है वो पैसिव है, यानी कि लर्नर्स को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है कि वो पैसिवली, वो उसको पता नहीं कि मैं सीख रहा हूँ लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे। उसने क्या किया, एक डॉग को हाथ उसके बांध दिए, पैर उसके बांध दिए। आप इस थ्योरी को विकिपीडिया पे या कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, इवान पेवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। तो उसने क्या किया, एक डॉग के पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए और इस तरीके से उसको बांधा कि वो किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता है, मींस वो अब कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी पूरी बॉडी इनएक्टिव है, यानी कि लर्नर जो है इनएक्टिव है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो ये बताए कि लर्नर जो है इनएक्टिव है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मीन्स उसके पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, बस उसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और उसके सामने एक खाने की प्लेट है, ठीक है। अब जो है वो उस खाने को खा तो नहीं सकता है, ठीक है, उस खाने को अभी खा तो नहीं सकता है क्योंकि उसको खाना दिया नहीं गया है, थोड़ा उसे दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत इवान पेवलोव ने क्या किया, एक काम किया। सबसे पहले एक बेल बजाई, यानी कि एक बेल बजाई और कुत्ते के सामने खाना रख दिया, तो कुत्ते को खाने दे करके लार निकलने लग गई। तो लार निकलने का मतलब क्या, उसने एक स्ट्रॉ उसके पाइप में लगाई थी, उसके मुंह में लगाई थी और इस तरीके से उसको निकाला था कि एक जगह वो लार कलेक्ट होती थी। तो अब ये देखा गया कि शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, सेकेंड टाइम जब बेल बजाई गई तो पेवलोव ने उसके सामने खाना रख दिया। तो धीरे धीरे ये कार्य दोहराया गया, बार बार होता गया, हर रोज होता गया, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उसको रिपीट करते रहे, यानी कि बेल बजाई जा रही है और खाना उसके सामने आ रहा है और उसको देखकर ही कुत्ते की लार टपक रही है, वो उसको खा नहीं पा रहा है, दूरी है, यानी कि उसको खाना देख करके उसकी लार टपक रही है। बेल बजाया, खाना लेकर के उसके सामने रख दिया गया और कुत्ते की लार टपकने लगी और वो जो लार है वो कलेक्ट हो रही है। अब देखा गया एक समय ऐसा आया, इतनी बार रिपीटिशन के बाद बेल बजाई लेकिन पेवलोव खाना लेके नहीं आया। समझ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि बेल बजाई जा रही थी, खाना उसके सामने आया, कुत्ता उस खाने को देख करके उसकी लार टपक रही है, फिर बेल बजाया, खाना लेके आया और कुत्ता खाने को देख के उसकी लार टपक रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ, बेल तो बजाया लेकिन खाना नहीं रखा, लेकिन पता है दोस्तों क्या हुआ, कुत्ते की लार टपकने लग गई। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगा, उसके ब्रेन की कंडीशनिंग हो गई कि जैसी बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा,
और खाना आने को उसकी लार टपकने लग जाएगी। मीन्स यहाँ पे उसका जो ब्रेन है वो कंडीशन हो गया, एक लर्निंग उसने क्या अडेप्ट करी कि भाई जैसे ही बेल बजेगी मेरे पास तो खाना आएगा, तो उसका जो ब्रेन है पैसिवली सीख गया कि भाई अब तो खाना आएगा तो लार निकलनी है बेसिक। यही बात उसने यहाँ पर कही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आपने दोस्तों देखा है कि जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप जब स्टूडेंट थे बैठा हुए हैं, तो क्या हुआ कि एक बच्चा आगे बैठा हुआ है और आप साइड में बैठे हो, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको, आप अपने फ्रेंड्स के सिर पे कुछ कागज के वो गोली बना करके उसके ऊपर मार रहे हो, ओके। अब क्या हो रहा है कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई एक क्लैप करियो और मैं उसको बीड मारूंगा, तो एक क्लैप हुई और फिर आपने वो बीड को मारा और उस बच्चे को वो लग गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा अरे यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं हो रहा, उसको पता नहीं चला किसने मारा, फिर वो आगे देखने लगा, फिर से एक क्लैप बजी और आपने वो बीड को मारा, फिर वो देखेगा पीछे, उसको समझ में नहीं आएगा, आपने फिर क्लैप करी फिर उसको मारा, धीरे धीरे उसको ये समझ में आएगा कि एक क्लैप की आवाज आ रही है और मुझको कोई मार रहा है। वो समझ गया कि भाई अब कोई जैसे ही क्लैप करेगा मेरे को कोई मारेगा। तीन चार बार आपने इस एक्टिविटी को रिपीट किया तो वो समझ गया। आपने एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही आप क्लैप करके आप उसको मारने की कोशिश करोगे वो नीचे झुक जाएगा, यानी कि उसको पता चल गया कि जैसे ही क्लैप बजेगी और वो मुझको अब मारेगा तो वो बच जाएगा। तो यहाँ पे उसने जो लर्निंग हासिल करी ये है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत लर्निंग, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके अंदर जो लर्नर है वो इनएक्टिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो उस चीज को सीख रहा है। अब आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बिहेवियरिस्ट थ्योरी का एक पार्ट है और ऑपरेंट है यानी कि यहाँ पे जो लर्नर है वो एक्टिव है, कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे एक न्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया फर्स्ट टाइम जिसको कहा गया रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बच्चे की किसी एक्टिविटी को गेन करना चाहते हैं। एक हम दो शब्द हैं यहाँ पे, पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एक पनिशमेंट का मतलब क्या होता है और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। पनिशमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी चीज जो कि आप किसी को देते हो, क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो ये काम को करे। और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप किसी को इसलिए दे रहे हो, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति वो काम करे। तो पनिशमेंट तो सबको क्लियर है, हम किसी को पनिश करते हैं कि वो दोबारा क्लास में लेट ना है या काम कंप्लीट करके लेके आए ऐसे। लेकिन सेकंड केस में क्या है, जब रीइंफोर्समेंट की बात आई तो यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है हम कहेंगे भाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से वो काम करेगा, क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से वो काम नहीं करेगा? तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि वो हमारी जो इच्छा वाला काम है वो करे, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में करेगा। अब जैसे अब चाहते हैं कि अब आपने बोल दिया कि जो भी बच्चा क्लास में अच्छे नंबर लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा, या फिर जो बच्चा क्लास में अच्छा नंबर लेके आया आपने उसको इनाम दिया, तो अब ये दूसरे बच्चों के लिए और उस बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट है कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझको अच्छा काम करना है, जब मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझको इनाम मिलेगा। यानी कि वो रीइंफोर्समेंट क्या था, ताकि आप बच्चे जो है वो पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाए और वो उस काम को करें। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे मेरे को देना तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है लेकिन काम मेरा पॉजिटिव ही होगा। देखिए कैसे, बहुत दिन पहले टीवी में एक ऐड आया करता था कि टीवी चल रहा है एकदम से वो ब्लैक हो जाता था और वो जो चैनल नहीं आता तो ब्लैक व्हाइट डॉट्स आते रहते ना वैसे आता था और फिर उसके बाद एकदम से न्यू स्क्रीन आती थी और कहते थे कि अगर आप अपनी टीवी में ऐसा नहीं देखना चाहते तो जल्दी से DTH लगवाइए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो आपकी स्क्रीन ऐसी हो जाएगी और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं था, वो इतनी तेज साउंड आ रहा है कुछ सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया तो आपको इरिटेशन हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो आपको नेगेटिवली ये बता रहा है कि भाई आप इस काम को कर लो नहीं तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। वो हमसे किसी काम को कराना चाहता है इसलिए उसने हमको रीइंफोर्स किया, रीइंफोर्स उसने हमको रीइंफोर्समेंट दिया, लेकिन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन क्यों, ताकि हम किसी काम को करें। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आया, पनिशमेंट implies to reduce the work,
मतलब रिड्यूस एनी एक्टिविटी, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एक्टिविटी एंड री इन्फोर्समेंट इंड्यूस द डिजायरेबल एक्टिविटी। जो डिजायरेबल एक्टिविटी के वो है उसको री इन्फोर्समेंट बढ़ाएगा और जो अनडिजायरेबल एक्टिविटी है उसको पनिशमेंट घटाएगा। तो ये इसके सबसे बड़े पॉइंट्स हैं और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पुरानी है, पनिशमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया लेकिन आज की थियोरीज में हम पनिशमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आज के समय में पनिशमेंट बंद है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आते हैं दोस्तों। ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसने कहा कि जो लर्नर है वो एक्टिव है, लेकिन एक्टिव लर्नर कैसे सीखेगा, इसके लिए उसने अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको जिसने प्रोपाउंड किया उसका नाम था बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसने बनाई उसका नाम था बीएफ स्किनर, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। आप इसको विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूं। इसने क्या कहा, इसने एक चेस टाइप बनाया, जैसे चेस में होता है ना एक ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ऐसे उसने बनाया। तो और एक चूहा लिया उसने। अब वहां पे क्या था कि लेकिन जैसे आपका जो रूम है ना बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम पे उसने ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स बना दिए चेस की तरह, ठीक है, और उस पर एक चूहा छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या था कि जैसे ही अब आपने सोच रखा है कि भाई अगर वो व्हाइट पे व्हाइट वाले बॉक्स में अगर गया तो मैं उसको करंट दूंगा, और अगर वो ब्लैक वाले बॉक्स पे गया तो मैं उसको खाना दूंगा। तो चूहे को तो ये पता नहीं है, तो चूहे ने क्या किया, सबसे पहले वो मान लो गलती से व्हाइट पे चला गया तो आपने उसको शॉक दे दिया तो फिर भागेगा, वो भाग करके ब्लैक वाले पे रुक गया तो आपने उसको खाना दे दिया तो चूहा खुश हो गया, खाना खा दिया उसने। फिर वो थोड़ी देर बाद चलेगा, मान लो गलती से फिर से व्हाइट पे आ गया तो आपने फिर से शॉक दे दिया, फिर व्हाइट पे आ गया फिर से आपने शॉक दे दिया, फिर वो ब्लैक पे गया आपने उसको खाना दे दिया। तो कुछ देर की एक्टिविटी के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जैसे जैसे मैं अगर मैं व्हाइट वाले पे जा रहा हूँ तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अगर मैं ब्लैक वाले पे जा रहा हूँ तो मुझे खाना मिल रहा है। मीन्स कि अगर मैं ब्लैक वाले पे जाने वाली एक्टिविटी करूंगा तो इसमें मेरा फायदा है, इसमें मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर मैं व्हाइट वाले पे जाऊंगा तो इसमें मेरा नुकसान है। तो यहाँ पे लर्नर सीख गया, यहाँ पे जो लर्नर है वो एक्टिव था, खुद उसने करके उस चीज को सीखा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझको इनाम मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझको पनिशमेंट मिलेगी। ये थी ऑपरेंट थ्योरी। आप इसको चाहें तो गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में और भी डिटेल निकाल सकते हैं। मैंने ओवरव्यू बताया ऐसे है, और ये रियल लाइफ हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट होता है और रियल लाइफ में भी है। जैसे मैंने बच्चे को बोला कि अगर तुम पास हो जाओगे, एक बाप अपने बेटे को बोलता है अगर तू पास हो जाएगा तो मैं तुझे साइकिल दूंगा, और अगर फेल हो गया तो तेरे को घर से निकाल दूंगा, या तेरे को ये करूंगा या वो करूंगा, या तेरे को गांव भेज दूंगा, खेती कराऊंगा, मजदूरी कराऊंगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट भी है और क्या है, पनिशमेंट भी है और री इन्फोर्समेंट भी है। अब उसने री इन्फोर्स किया, अब उसको पता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे साथ ये हो सकता है, और अगर मैं पास हो गया तो मेरे साथ ये हो सकता है। अब ऐसे काम में अब वो जो लर्नर है, अब वो लर्नर सेंटर्ड है कि अब वो क्या करना चाहता है। अगर वो गलत काम करेगा तो वो खेतों में जाएगा, लेकिन अगर वो सही काम करता तो सुसाइकिल मिल जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिहाइंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, और इसको देने वाले कौन थे, बीएफ स्किनर। और इससे पहले हमने पढ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको दिया किसने, इवान पेवलोव ने। और इससे पहले हमने पढ़ा क्लासिकल थ्योरी, जिसको दिया किसने, प्लेटो ने। तो दो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अब हम आगे चलते हैं हमारे कॉग्निटिविस्ट थ्योरी पे। कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, अगेन शब्द आ रहा है कॉग्निटिविज्म, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। हमने पढ़ा था ना इससे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब हुआ कि दिमाग, हमारा ब्रेन जब यूज हो रहा है, यानी कि अब पहली बार ऐसे बात किया। इससे पहले जैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी में क्या हुआ कि इसमें जो सिखाने वाला था, यानी कि टीचर सेंटर्ड था, जो टीचर है वही सारी चीजों को डिजाइन कर रहा है, यानी कि वो जो चाहता है वही काम हो रहा है, यानी कि उसके अंदर जो लर्नर है वो कम एक्टिव है बजाय, और जो टीचर है वो ज्यादा एक्टिव है, वही हर एक चीज को डिजाइन कर रहा है, और बच्चा जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में सीख रहा है, यानी कि उसको सीखने का ज्यादा स्कोप नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे इस पे चर्चा चली और एक न्यू थ्योरी प्रोपाउंड हुई जिसको कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज के अंदर इंक्लूड किया गया। और जो पहली थ्योरी बनी उस जो बहुत फेमस हुई 1900 में, उसको कहा गया गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी। इनसाइट का मतलब होता है अंदेशा, दिमाग, दिमाग का यूज करके हम इनसाइट बनाते हैं।
तो गेस्टाल्ट थ्योरी इसलिए क्योंकि तीन चार थ्योरिस्ट ने मिलकर के उसको बनाया, जिसमें सबसे जो मेन थे वो थे हमारे वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इसको बनाया था। इसके इनके तीन एसोसिएट थे, उनको आप गूगल कर सकते हैं, जो मेन थे वो थे वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। इन्होंने 1920s में इसको बनाया, और इनका ये मानना था ये जो लर्निंग है एक्चुअली हमारी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करती है, यानी कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम किस चीज़ को सीखते हैं। उन्होंने कहा कि लर्नर जो है वो सबसे पहले अपनी आसपास की चीज़ों को देखता है, समझता है, और एक कंप्लीट इमेज को परसीव करता है और एक मीनिंग निकालता है, और उस मीनिंग के बाद उससे कुछ लर्निंग को गेन करता है। तो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो चिंपैंजी पे हुआ। ऐसा कहते हैं कि चिंपैंजी के पास दिमाग होता है, ह्यूमंस के पास सबसे ज़्यादा ब्रेन अगर किसी के पास है तो चिंपैंजी के पास है। तो उन्होंने चिंपैंजी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया उसको एक केज में रखा, ठीक है, और केज में रखने के बाद केज से थोड़ी दूर जहाँ तक उसका हाथ नहीं जा पा रहा था उसने थोड़ी दूर पर एक बनाना का बंडल रख दिया। अब जो अंदर बंदर बैठा है यानी कि जो चिंपैंजी बैठा है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है हाथ से, लेकिन उसको वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसके हाथ के मुकाबले से दूर है। अब वो बहुत देर तक परेशान होता है, फिर इधर उधर देखता है और देखता है कि आसपास कुछ पाइप्स पड़ी हुई है, तो वो उस पाइप को उठाता है और पाइप से उस बनाना को खींचना शुरू कर देता है, लेकिन बनाना तो नहीं आ पाता क्योंकि बनाना जो है वो उस पाइप की दूरी से भी दूर है, तो वो परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो चीज़ों को देखता है, समझता है, आसपास की चीज़ों को देखता है और देखता है आसपास तो तीन चार पाइप्स पड़े हुए हैं, तो उन वो तीन चार पाइप्स को लेता है, और मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट था और काफ़ी देर चलने के बाद ये रिजल्ट सामने आए। तो वो आसपास के पाइप्स को लेता है, उसको जोड़ता है क्योंकि वो जुड़ सकते थे, तो वो उसको जोड़ता है और एक लंबी स्टिक बना करके उस बनाना को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच के उसको खा जाता है। तो ये है इनसाइड थ्योरी। उसने क्या, एक चिंपैंजी ने क्या किया, सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल यानी कि पुरानी थ्योरी सब कुछ लगाई, लेकिन असली में क्या काम आई उसकी इनसाइड गेस्टाल्ट थ्योरी काम आई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कही जाती है क्योंकि उसने आसपास की चीज़ों को देखा, एक कंप्लीट इमेज को परसीव किया और अल्टीमेटली उसने एक ऐसी एक्टिविटी करी जिससे उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिला। आपने दोस्तों एक कहानी सुनी होगी प्यासे कौए की, वो जाता है मटके में, पानी कम होता है, आसपास कंकड़ होते हैं और वो कंकड़ को उसमें भरता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पी के चला जाता है। ये भी गेस्टाल्ट थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे केस में जो रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर दें तो जैसे कभी कभी किसी चीज़ के अंदर कोई क्वेश्चन, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसके अंदर वो कभी कभी शुरू में अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है, उसको समझ में नहीं आता, फिर वो उसके बारे में सोचता है, सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और उसके बाद जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये कहलाती है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसके अंदर या इनसाइड थ्योरी जिसके अंदर पूरे कंप्लीट सराउंडिंग को देखा, सराउंडिंग का मतलब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अगर मैथ्स है तो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल है तो आसपास के सराउंडिंग को देखेंगे, मींस सारी चीज़ों को देखने के बाद एक कंप्लीट इमेज बनाना और फिर कंप्लीट इमेज की एक से मीनिंग एक परसीव करना, और उस इमेज जो हमने परसीव करी है उसके थ्रू यानी कि उसके अगेंस्ट एक एक्शन करना, ये सभी इंक्लूड होते हैं हमारे गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइड थ्योरी के अंदर। इसको बनाने वाले कौन थे, वुल्फगैंग कोहलर। उसके बाद लेटेस्ट थ्योरी डेवलप हुई कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिविज्म के बाद भी एक न्यू थ्योरी डेवलप हुई जिसको कहा गया कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, जो कि आज की जो डिमांड है यानी कि NCF 2005 के अनुसार या आज की जो एजुकेशन की नीड है या लर्निंग की नीड है उसमें ये टॉप पे है। इसको प्रोपाउंड किया जीन पियाजेट ने। तो मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, जो फर्स्ट जो था क्लासिकल कंडीशनिंग वो किसने किया था, याद कीजिए, याद आया, प्लेटो ने। फिर उसके बाद आई कंडीशनिंग थियरीज, बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग में आई तो क्लासिकल कंडीशनिंग आया और ऑपरेंट आया। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलोव ने दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर ने दी। फिर उसके बाद आई नेक्स्ट थ्योरी आई हमारी, आपको याद होगा, सोचिए, सोचा आपने, नेक्स्ट डे कॉग्निटिविज्म, जिसके अंदर आई गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइड थ्योरी। इस थ्योरी को बनाया वुल्फगैंग कोहलर ने, और अब जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसके अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक वाक्य कहा, एक थॉट दिया, उन्होंने कहा कि मैंने देखा, मुझे बहुत कम समझ में आया, उसने कहा कि मैंने सुना, मुझे बहुत थोड़ा समझ में आया, मैंने देखा, मुझे थोड़ा समझ में आया, और जब मैंने किया मुझे पूरा समझ में आ गया। उनका ये मानना था कि जब मैं किसी काम को करता हूँ यानी कि जब मैंने उस काम को खुद किया, जब मैंने उस काम को सिर्फ सुना या मैंने उस काम को सिर्फ देखा,
तो इन तीनों केस में जिस काम में मैंने उस काम को खुद किया उसमें लर्निंग का जो रेशियो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मीन्स जब हम किसी काम को करते हैं तो उस केस में हमारी लर्निंग सबसे ज्यादा होती है। तो इस थ्योरी को डाला गया कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं इसमें एंगेज आता है 5E मॉडल है, 5E मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इसकी जो PPT है मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ये जो 5E पे बेसिक डिपेंड करता है, जिसके अंदर एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएशन, ये 5 स्टेप होते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो बच्चे को लर्निंग करानी है या बच्चा कोई भी चीज़ किसी चीज़ को सीखेगा तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। आप सीधा सीधा किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं बता सकते। ऐसा करना है कि बच्चा उस लर्निंग को खुद डेवलप करे और आसपास किसी चीज़ को सीखे, बजाय डायरेक्ट आपके देने के। अगर वो उस चीज़ को खुद ढूंढ पाता है तो ये बहुत अच्छा है। तो जैसे सबसे पहला आता है एंगेज, उसको किसी भी काम में एंगेज करना। एंगेज करने का मतलब उसको एक्टिविटीज देनी है, उसको उस टॉपिक के लिए रिलेट करना है। मीन्स कोई प्रीवियस नॉलेज ले लिया, कोई मूवी ले लिया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया, उस चीज़ से रिलेट करके उसको पहले उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। यानी कि एक सराउंडिंग बनानी है जिसमें वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लोरेशन, सेकेंड पार्ट। एक जब आपने उसको एंगेज कर दिया तो अब उस टॉपिक को पहले आप बताएं, उससे पहले आप उसको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। यानी कि आप बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ये बोला इंटरनेट पर सर्फ करो, या मम्मी पापा से पूछो, या कोई प्रोजेक्ट दिया कि आसपास के पड़ोसियों से पूछो, फ्रेंड से डिस्कस करो, कुछ भी आपने ऐसा किया जिसके अंदर वो उस नॉलेज को आसपास के लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है। जब उसको जानेगा तो वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उस उन गहराइयों को समझ रहा है जो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 अलग अलग तरीके से उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, तो 40 डिफरेंट तरह की नॉलेज जनरेट होगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप उस टॉपिक को स्टैंडर्ड तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर बच्चे जो होंगे अब इन्फर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और आप उनके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में पता है। और आप जब उस चीज़ को बताएंगे तो वो नॉलेज जो है वो उसके लिए परमानेंट सेट हो जाएगा और इफेक्टिव तरीके से सेट होगा, जिसको कभी भूलेगा नहीं। एक्सप्लेनेशन के बाद आता है एलाबोरेशन। जब आपने एक्सप्लेन, अब एलाबोरेशन में क्या होगा, उसने जो पहले से सीखा है और जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें कोरिलेशन होगा। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा डीप में जाया जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ों को समझा जाएगा और उस टॉपिक को वास्ट फॉर्म में समझा जाएगा, जिसके अंदर जो सिर्फ किताबी ज्ञान था वहाँ तक सीमित हम नहीं रहेंगे, और भी सारी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये आता है एलाबोरेशन में। और लास्टली आता है इवेल्युएशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इवेल्युएशन का मतलब है, जो चीज़ आपने सीखी कितनी सीखी, एक टीचर तो जज नहीं कर सकता ना सिर्फ देख करके कि वो कितना सीखा है। तो इसके लिए पार्ट आता है इवेल्युएशन पार्ट, जिसमें वो कोई टेस्ट लेगा या कोई डिस्कशन लेगा या क्वेश्चन आंसर कराएगा, क्वेश्चनर कराएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ कराएगा जिसमें वो जज करेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगर एक्सपेक्टेड लेवल के अनुसार वो सीख चुका है देन वेरी गुड, अगर वो नहीं सीख पाया तो रीटेस्ट लेंगे, और रीटेस्ट मीन्स उस प्रोसेस को दोबारा लेके जाएंगे, दोबारा उसको समझाएंगे, दोबारा रीटेस्ट लेंगे और देखेंगे कि रीवेल्युएशन के बाद भी क्या वो उस चीज़ को सीख पाया है। 100% वो सीखेगा ही सीखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर सभी सेंसेस का यूज़ होता है, और जब सभी सेंसेस का यूज़ होगा तो हम उस चीज़ को सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आज की क्लास थी इसमें हमने इन 4 थ्योरीज के बारे में पढ़ा और इस थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करा। हमने संक्षिप्त विवरण दिया, और इन सभी थ्योरीज को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और इन सभी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन अगर आप इस थ्योरी के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हैं तो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर आपको बोला जाएगा आप क्या करोगे। जैसे मैंने नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट और रीइन्फोर्समेंट के बारे में बताया, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अब बोलेगा कि अगर ऐसा काम आपने किया, यानी कि आपने बच्चे को बोला कि अगर आप, जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप इसका आंसर दीजिएगा। जैसे आपने बच्चे को बोला कि, एक बच्चे को बोला कि अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो तेरा गेम्स का पीरियड कैंसिल, गेम्स के पीरियड में तेको काम करना पड़ेगा। तो ये जो है वो उसके लिए पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है या नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है, पनिशमेंट है कि नन ऑफ दिस, क्या है? अब हम तो देखेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने उसको क्या किया है, पनिशमेंट दिया है। आप अधिकतर लोगों का आंसर पनिशमेंट होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पनिशमेंट इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। क्यों? क्योंकि आप बच्चों से कोई पॉजिटिव काम कराना चाहते हो, उसके लिए आपने उसको रीइन्फोर्स किया। रीइन्फोर्स का मतलब मैंने पहले ही बोला, रीइन्फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी काम को आप कराना चाहते हैं,
और पनिशमेंट का मतलब क्या है कि आप नहीं चाहते कि वो ये काम को करे, जैसे बच्चा लेट हो रहा है तो आप पनिशमेंट कर दे रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि वो बच्चा लेट आए, यानी कि उस काम को आप कम करना चाहते हो, और रिइंफोर्समेंट का मतलब आप उस काम को बढ़ाना चाहते हो। तो आपने कहा कि तेरे गेम्स का पीरियड मैं कट कर दूंगा, काम करो, तो बच्चा क्या करेगा, आप काम करना शुरू कर देगा, आप जो आपकी डिजायरेबल एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसी थ्योरीज काम आएंगी, डायरेक्टली ये थ्योरी काम नहीं आएगी लेकिन इसके एप्लीकेशन जरूर काम आएंगे। तो इसके बारे में आप हल्का फुल्का सर्च करें, पढ़ें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे पूछें, आपस में डिस्कशन करें, और इस थ्योरी के बारे में आप अलग जगह भी सर्च कर सकते हैं। कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने ओपन के थ्रू एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन किया है या टीचिंग डिप्लोमा किया है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इन चीज़ों को समझने में। तो अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, हम अच्छे अच्छे रेफरेंस दे करके, सही सही जगह से रेफरेंस दे करके आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम और अधिक से अधिक आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।